ये इनके घर पुराने जमाने के, ये देखिए खिड़कियां लगी हुई हैं। होता है एक परिवार में अगर शादी होती है तो अड़ोस पड़ोस के सब मिलकर के उस घर में दूध निशुल्क और फ्री में देते हैं ताकि उस घर का जब ये दराती इनकी कमर में लगी होती है, जब वो खेत में जाती हैं तो ये दराती इनकी कमर में लगी होती है। हो गए हैं बेड से उतरे और लेटरिन में, बेड से उतरे किचन में, तो यहाँ का कल्चर यहाँ का रहन सहन ही अलग है क्योंकि ये घर इतनी। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपका होस्ट राम कुमार राठी और राठी प्राकृतिक प्रेमी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आज एक पहाड़ के अंदर एक शानदार घर के अंदर, पुराने ज़माने का घर, और आजकल पहाड़ के अंदर देखेंगे घास की कटाई चल रही है, तो भाई ये घास नहीं है, ये इनके पशुओं का चारा होता है और ये स्टोर करते हैं इसको। ये मैं थोड़ा उठा कर दिखा देता हूँ, ये इसको स्टोर करते हैं और सुखा करके इसको स्टोर कर लेंगे तो इनका पूरा साल ही इनके पशु इसको खाते हैं। और यहाँ पहाड़ के अंदर क्या होता है ना, हमारे प्लेन्स में तो भूसा और पता नहीं ज्वार क्या क्या खिलाते हैं, लेकिन ये यहाँ के पशु इसको घास को खाते हैं। और ये जंगली घास होती है, और जो जंगली घास होती है नेचुरल घास है, पौष्टिकता ज़्यादा होती है क्योंकि ये लोग बनावटी चीज़ें नहीं खिलाते, नेचर के ऊपर जो डिपेंड होता है, नेचर में जो पैदा होता है उसी को खिला करके पशुओं के साथ रहन सहन और इनका खान पान चलता रहता है। और ये इनके घर पुराने ज़माने के, ये देखिए खिड़कियाँ लगी हुई हैं और घर के ओनर लगे हैं बर्तन धोने में अपने दिनचर्या में, और हम इनका वीडियो बनाने के लिए इनका टाइम भी दिखा दो। कौन सा वो? अरे तो भाई ये है इनके पुराने ज़माने के घर, देखो अभी ये छत देखो, ये लकड़ी की छत है और ये पुराने ज़माने की खिड़कियां हैं जो आज दिखाई नहीं देती, आज कहीं मिलती भी नहीं है। ये पहले के डिज़ाइन आज नहीं मिलेंगे। और ये इनका गार्डन है, और भाई फूलों की तो बहार है क्योंकि ये नेचर के अंदर रहते हैं और नेचर को पसंद करते हैं ये लोग। और ये देखियो इनके गार्डन में घुस तो गया मैं, नींबू लगे हुए हैं देखिए, छोटे बड़े नींबू, और ये देखो मोटे मोटे नींबू है देखिए। तो यहाँ पे फ्रूट तो हर घर में मिलते हैं यार, फ्रूट हर घर में मिलेंगे, सब्जियाँ इनकी अपनी होती हैं, मसाले इनके अपने होते हैं। आप कहेंगे मसाले में क्या है इनका, तो भाई ये देखो ये देखिए ये हल्दी है, ये हल्दी का पौधा है, तो इनका हल्दी का मसाले का, तो इनके अपने नेचुरल मिर्ची के पेड़ हैं, ये इधर मिर्ची के भी हैं। तो थोड़ा हाँ आप इधर मुझे ये बताइए, आप सारे मसाले खुद ही उगाते हो? हाँ सर। इनको बाज़ार से मसाले लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके ऑर्गेनिक मसाले हैं, तो नेचर पाउडर हल्दी सब घर में बनाते, सब घर में बनाते हैं, तो भी इनको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भर किसान हैं, और आत्मनिर्भर जो आदमी होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता। और क्योंकि जो आदमी थोड़े में गुजारा कर लेता है, ज़्यादा इन लोगों के शौक नहीं, और जो आदमी आत्मनिर्भर होता है, और ये इनके पशुओं का है घर, और इनके देखो औजार दिखा देता हूँ मैं, ये औजार हैं भाई इनके पहाड़ में काम करने के लिए। और क्या क्या दिखाऊँ इनको मैं, ये इनकी दराती है, जंगल में घास वास काटने काम आती है, और घास काटने क्या जब बाघ आ जाता है तो ये दराती यहाँ की औरतों के पास, जब वो खेत में जाती हैं तो ये दराती इनकी कमर में लगी होती, जब ये दराती यहाँ की महिलाओं के पास हमेशा रहती है, जब इनके ऊपर संकट आता है, किसी जानवर का सामना करना पड़ता है, तो भाई इस दराती से ही अपनी रक्षा भी करती हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक पहाड़ी घर में आया, और पहाड़ी घर में हमारे साथ, सर अपना नाम बताओ? गिरीशचंद तिवारी। भाई गिरीशचंद तिवारी के घर हम बैठे हैं। सर आप पहाड़ में, आपका तो कई पीढ़ियों से पहाड़ में ही रहते हो? बिल्कुल, कई पीढ़ियों, भाई इनके कई पीढ़ियाँ, इनके पुरखे बड़े बूढ़े यहाँ पे हजारों साल से रहते आए, और आज इनका मैंने घर दिखाया। सर फिर आप अपने पहाड़ी जीवन से खुश हैं क्या? हाँ खुश हैं।
कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है? नहीं। तो गुजारा कैसे होता है? गुजारा हम ऐसे ही खेती बाड़ी करते हैं, जानवर भाई जानवर पालते हैं। दूध तो तुम्हारा खत्म होता ही नहीं है, एक पशु दूध देना बंद करता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा होता है। तो पशुपालन भी इनका उद्देश्य और इनका बिजनेस है, इनका व्यवसाय है, इनके जीवन का हिस्सा है। तो भाई ये अपने जीवन से खुश हैं। तो और अपने जहाँ शादियाँ वादियाँ होती हैं तो गांव के कैसे हेल्प करते हैं फिर आपकी? गांव वाले सभी लगते हैं, सभी लग करके? हाँ सभी लगते हैं, सब हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं, कोई खाना बनाने में करता है, कोई अच्छा एक दूसरे से दूध भी ले लेते हैं, फ्री मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुरानी परंपरा आज भी कायम है शहर में, प्लेन्स में तो क्या होता है भाई, दूध वाले को ऑर्डर दे दिया शादी के लिए, वो दूध दे देगा। यहाँ पे क्या होता है, एक परिवार में अगर शादी होती है तो अड़ोस पड़ोस के सब मिलकर के उस घर में दूध निःशुल्क और फ्री में देते हैं, ताकि उस घर का सहारा, उस घर की हेल्प हो सके। तो भाई इतना प्रेम इनका आज भी है यहाँ पर, ऐसा ही है ना सर? है सर। तो भाई ये यहाँ का कल्चर है। तो आगे चलते हैं, और ये इनके गोट देखिए, गाय है अंदर। तो ये गाय हमें देख रही है और हमें देख करके थोड़ा डर रही है, तो हमें दूर जाना चाहिए। तो भाई ये कहानी है, और ये लोग आत्मनिर्भर हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं, जितना है उसमें गुजारा करते हैं और अपने जीवन से खुश हैं। सर क्या ख्याल है इसके बारे में आप? ये क्या है? ये पहाड़ी घर का शहद है। ओहो, तो भाई ये पहाड़ी शहद है, ये घर का है ये। बहुत ज्यादा हो गया। लो खा लो। तो भाई ये शहद दिया है खाने का, मीठा भाई जबरदस्त है भाई, इसका टेस्ट भी अलग है। और जिसका टेस्ट अलग हो भाई, टेस्ट तो अलग होगा ही, क्योंकि नेचुरल चीज है ये। इसका वो भी दिखा दे आपको, मजा आ गया भाई। आइए, घर का है स्वाद जरा, कह रही है घर का है, बड़ा टेस्टी है, ओरिजिनल है। तो भाई मैं तो चाट ही रहा हूँ, बहुत मीठा है। कहाँ पे है ये? दो वो काले काले, जिनमें काला काला है, ये मधुमक्खियाँ। ये रही है। तो ऊपर भाई इनका देखो, मधुमक्खी के इनके छत्ते इनकी दीवार में लगे हुए हैं, तो इनको शहद लेने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है, और इनके घर दिखा, घर तो मैं दिखा चुका हूँ, ये इनका घर है, ठीक है। और एक चीज और, पुराने जमाने की आदत दिखा दूँ, घर से दूर ये इनका लेटरिंग बाथरूम है। तो इनका जीवन देखो कैसे चलता है, घर से ये लेटरिंग बाथरूम है और इतनी दूर घर है। तो भाई ये पुराने ज़माने के आदमी हैं, आजकल क्या हो रहा है, रूम के अंदर ही, कमरे के अंदर ही लेटरिंग बाथरूम। लोग इतने आलसी हो गए हैं, बेड से उतरे और लेटरिंग में, बेड से उतरे किचन में। तो यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन ही अलग है, क्योंकि ये घर इतनी दूर और बाथरूम तो जाहिर सी बात है, गंदगी को, गंदे स्थान को ये थोड़ा दूर ही रखते हैं। और विशेष करके इस गांव के अंदर पंडित लोग, ठाकुर लोग ये ज़्यादा होते हैं। और भाई ये कुछ ज़्यादा ही बोल गया हूँगा मैं, और ये सीढ़ियाँ हैं भाई, पहाड़ी सीढ़ी आप देखेंगे, ये यहाँ पे ऊपर मकान है, ये सीढ़ी, ये दो मंजिला है, इनकी सीढ़ियाँ ऐसी होती हैं। ये मैं दिखा देता हूँ, ये इनके घर हैं, ठीक है। और आंटी ने बर्तन धो के तैयार कर दिए हैं। तो भाई कितना सादा जीवन है इन लोगों का, और लोगों का शहर के अंदर किचन में रैक लगाओ, बर्तन धो विम से, ये भाई विम से बर्तन नहीं धोती है, राख से बर्तन मांजते हैं। तो चलते हैं आगे,